हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वापस से आपके अपने पुरुषमंद यूट्यूब चैनल जेई न्यूज़ पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ORP 2 को लेकर के, वन रैंक वन पेंशन 2 को लेकर के। बहुत बड़ी अपडेट है। जिस तरह से ORP की विसंगतियां हैं, उसी के रिकॉर्ड में इक्वल MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन और पेंशन का जो बढ़ोतरी, पेंशन की बढ़ोतरी, उसी के रिगार्डिंग में एक लेटर जारी कर दिया गया राजनाथ सिंह जी की तरफ से। उन्होंने बता दिया है कि इनको पूछा गया क्वेश्चन था, लेटर दिया था, उसके बारे में इनका रिप्लाई आ चुका है। तो देखने वाला है इसे बड़ी अपडेट को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, रक्षा मंत्री भारत, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया 27 जुलाई को रिप्लाई दे दिया है। 18 जुलाई 2023 को जो सांसद है बागपत से, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा था। और उसमें ये था कि जिसके साथ एडवोकेट गजेंद्र सिंह महासचिव जिला पूर्व सैनिक समिति बागपत का अभ्यावेदन संलग्न है, जो युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और दिव्यांग पूर्व सैनिकों को विभिन्न मांगों के संबंध में इन्होंने कहा था कि जो भी जायज़ मांग है उनको सही से उसका सोल्यूशन किया जाए, और जो इक्वल MSP है उनको भी बढ़ाई जाए, और मतलब अधिकारियों के बराबर में इक्वल MSP मिलनी चाहिए। और तो इनके जवाब यह है कि मतलब आपका लेटर हमें प्राप्त हुआ है और उपयुक्त मामलों की जांच कराई जा रही है, शुभकामनाओं सहित। ये राजनाथ सिंह जी ने सत्यपाल मलिक जी को, सत्यपाल सिंह जी को कहा, जो बागपत से हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने ऐसी रिप्लाई दे दिया। तो इससे क्या मान सकते हैं कि सच में कुछ जांच कराई जा रही है या फिर ऐसे ही हवा है? तो ये ऐसे माना जा रहा कि क्योंकि जब इन्हीं के सांसद हैं, इनसे पूछे गए, तो उनको तो अच्छे से आंसर देना इनका फ़र्ज है, बाकी दूसरों को ऐसे रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि एक एजेंडा भी बन जाता है कि इन्होंने रिप्लाई दिया, उसके बाद में भी कोई जांच का, कोई कुछ कमेटी का कुछ भी नहीं हुआ, तो इसलिए इनको तो देना फर्ज है इनका, और दे देते हैं, और ये मामला चलता रहेगा, ऐसे ये रुकने वाले नहीं हैं, मतलब कि कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो जब तक 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ऐसे ही रिप्लाई आते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इससे वीडियो के थ्रू। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे में अपडेट के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।